जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं उसकी कोई थोड़ी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। दार्शनिक व्याख्या, क्योंकि आज जो कुछ हम धर्म के नाम से आराधना कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, मगर उसका कोई क्रियात्मक परिवर्तन नहीं आता है। मैंने फिजिकली बदलाव नहीं आता, हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने ये अनुष्ठान कर लिया। तो हिंदू धर्म यहीं तक विकसित नहीं है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको अद्वैत दर्शन तक पहुंचा दिया। दो है ही नहीं, एक ही परम सत्ता है जो सब में है, घट घट का वासी है राम। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन हो जाएगा। मैं कुछ दूंगा नहीं, आप जन्म से पूर्ण हो। मैं आपको अपने आप से परिचय करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आप क्या हो। समझे न समझा? तो अभी रिजल्ट मिलेगा। मैंने नाम लेना चाहता, कई गुरु ऐसे कहते 20 साल तक आराधना करो तो आपकी कुंडलिन जाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कहता हूं 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है। तो अभी परिवर्तन आएगा आप में। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं, आज भी पूरे गृहस्थी के साथ जी रहा हूं, प्रवृत्ति मार्ग ही हूं, निवृत्ति मार्ग नहीं हूं। निवृत्ति मार्ग मेरे गुरुदेव थे, उनके आदेश से काम करने चला हूं। समझे? मैं रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह मैं भी जी रहा था, तो कुछ एक परिस्थिति हो, एक परेशानी आ गई। डॉक्टरों का कोई बीमारी नहीं है, तांत्रिकों का ये आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। एक श्रीराम दुबे थे यूपी के, अब तो उनकी डेथ हो गई, वो अच्छे तांत्रिक भी थे, अस्त्रेखा भी जानते थे। तो उन्होंने कहा जी ये आप ऐसा करो कि महामृत्युंजय का जप करो, उससे आपकी ये दशा ठीक हो जाएगी। वो बड़ा कर्मकांड था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने इनकार कर दिया, दुबे जी ये तो नहीं होगा, आने दो इस मार्कस को। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी ऐसा हो सकता। जब स्टार्ट किया मैं, उसका अर्थ क्या है जानता नहीं था, क्योंकि नौकरी करता था। और आप जानते हो गवर्नमेंट तो उतना ही देती है जितना मुश्किल से महीना भर चल जाए। और मेरे जैसे आदमी का जिसने एक पैसा नहीं लिया उसका तो 20 दिन पे पिंपा खाली हो जाता था। तो आधा तो प्रोविडेंट फंड निकलवा के खा लिया। वो तो गायत्री जप किया, 1.25 लाख अनुष्ठान की, हर मंत्र के साथ आहुति दी, 4-5 किलो घी भी जलाया, जनेऊ भी दिलाई थी पंडित जी ने। समझे? तो आज 1.25 लाख हो गया पूरा, तो उठना नहीं है। समझे? अक्टूबर में किया था और 1 जनवरी 69 को सिद्धि हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस शरीर का। मैं पहले कुछ समय के लिए PBM हॉस्पिटल है वहाँ हमारे बड़ा सबसे, उसमें प्रोबेशनर मेल नर्स था, तो मैंने देखा हुआ था कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब। मगर वो कोई अंग दिखे नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑर्गन्स आकर गए का, और दिख रहा है, दिखता अंग से वो अंदर दिख रहा है सारा, एक दूध या प्रकाश में ट्रांसफॉर्म हो गई ये बॉडी। फिर मैंने उस प्रकाश पे ध्यान दिया तो एक भवरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, काला भवरा होता अपना वो वैसा। तो मैंने सोचा ये भवरा पेट में कैसे घुस गया। उस आवाज पे कंसंट्रेट हुआ तो नाभि से जपा जा रहा है गायत्री मंत्र।
मैंने कंठ से जपता हो, नाभि से जपा जा रहा, जैसे साइकिल की चेन चलाओ एंड नहीं है ऐसे। फिर बहुत हल्ला हो गया शहर में, वहां पुष्करणा समाज के लोग बहुत अच्छे पंडित भी हैं, वो दो चार लोग आए। पहले तो मेरे को यदि आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लाखों रुपए लोग देंगे, साथ में हमारा भला हो जाएगा। मेरे को नहीं जैसी यूँ कौन दे देगा पैसा। फिर जो मुझ में परिवर्तन आया तो मेरे समझ में आके मामला तो गड़बड़ हो गया तेरे को। तो मैंने कहा पंडित जी ये तो सोना दें और लो अल ये तो मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा जी आर्थिक युग है, इसमें बिना पैसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो पास जन्म से ही पैसा नहीं है। नहीं मानना तो एक सर्टिफिकेट दे गए कि ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा। चलो चलो पीछा छूट गया। तो इस प्रकार पहली सिद्धि होगी निर्गुण निराकार के। महर्षि अरविंद ने बड़ा स्पष्ट किया इसको। उन्होंने कहा इस देश में दो तरीके आराधना के, एक सगुण साकार के, एक निर्गुण निराकार के। सगुण साकार के जैसे हम लोग कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चंदनामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दूसरा निर्गुण की सिद्धि जो मुझे होगी उसमें नाम जप और ध्यान करते हैं तो ऊर्ध्वगमन करते हैं और मुक्ति पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं करना पड़ता था उसके मुक्ति के लिए, सगुण साकार भी मोक्ष पा जाते हैं। मगर अरविंद ने कहा कि अगर दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर फिजिकल बॉडी हो जाए, अगले में नहीं, तो जिसके लिए एसेंट करना पड़ता था वो परम सत्ता यहाँ इस फिजिकल बॉडी में डिसेंट कर जाएगी। उसे अरविंद ने पार्थिव अमृत्व कहा, पार्थिव अमृत्व, टेरिस्टेरियल इमोर्टिलिटी। तो ये मुझ में परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। आज जो वो मैं नहीं बनना चाहता था, मैं भी बड़ा जिज्ञासु आदमी था, समझा समझा। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियां होगी भाई। और एक मतलब हमारा धर्म जो है पूर्ण एक ठोस आधार पर बेस्ड है, यहाँ कल्पना का गुंजाइश नहीं है, समझे समझा। तो इस प्रकार जब दोनों होगी तो बहुत आश्चर्य हुआ। 84 में कृष्ण की होगी, स्वामी विवेकानंद आए बीच में, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी, तो गुरु बना लिया नाथ जी को। 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। उसमें तो रिटायरमेंट होता था, ये रिटायरमेंट नहीं देगा, ये तो जब तक ये शरीर रहेगा इसकी नौकरी करनी पड़ेगी, समझे समझा। तो एक परिवर्तन आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारे ईश्वरवादी धर्म मानते हैं। तो ये शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है, समझे समझे। तो इस प्रकार मैं आपको एक मंत्र दीक्षा दूंगा, उससे आप में सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो योग कई तरह के होते हैं, जप योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, सिद्धि योग। तो मैं जिस बात योग की बात करता हूँ वो सिद्धि योग है। उसका गुरु अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। जब वो आप नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, अब भी हो जाएगी, देर नहीं लगेगी भाई। ये आंख बंद हुई, ये खुली, फैसला हो गया। कई लोग कहते हैं टाइम कितना लगेगा, तो मैं अष्टावक्र जनक का उदाहरण दिया करता हूँ। राजा जनक ने गुरुओं को बुलाया, बहुत गुरुओं को बुलाया और कहा मुझे तत्व ज्ञान मैं जानना चाहता हूँ। वो गुरु नहीं बता सके, तो उधर से अष्टावक्र आ गए। 8 खूब थे बेचारे के, वो गुरु देख के हंस दिए। तो पहले गुरुओं को जवाब दिया कि राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं, तो महाराज आप बता दो। इसलिए बता दो कि तू जनक है, राजा है, ये तेरा अहम नहीं खत्म हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं बता सकता। तो वर्णन आता है अष्टावक्र गीता में,
अष्टावक्र जी ने कहा एक घोड़े के एक रका में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, सब्जेक्ट तो तेरा अहम खत्म हो जाएगा। तो कहते तीन दिन तो खड़ा रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है उदाहरण का कि आपको अभी फैसला हो जाएगा, घर जाने से पहले हो जाएगा, यही हो जाएगा। अभी मैं ध्यान कराऊंगा 15 मिनट आपको, समझे ना सर। हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा दर्शन शुरू होता है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा है विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो आपने देखा अभी हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्र लोक तक पहुंचा दिया रॉकेट। इसी तरह से आपकी कुंडली तो बेसमेंट में सेक्रेप में नीचे नीचे 3.5 आटे लगा करके दूम को मुंह में दबा के अचेतन रहती है डोरमेंट पोजिशन में। गुरु अगर जो सिद्ध हो रो से अधिकार है दीक्षा का, तो ये हठ योग से करोगे तो फिर हार्ट फेल हम पागल हो जाओ। तो इस प्रकार मैं जो नाम बताऊंगा उसको आप निरंतर जपोगे। महर्षि अरविंद ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि हमारा दर्शन है उसको हम ही लोग नहीं मान रहे। तो वो ऋग्वेद कहता है कि ये शरीर जो है 7 प्रकार से सेल से जिंदा है। फिर वो वैदिक ऋषि अलग अलग मैटर को, तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बढ़ने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो मैंने योशिम कहा था कि आपने विज्ञान को चेतन कर दिया, मगर जब तक ऊपर के 3 कोष चेतन नहीं होंगे, सत्चित आनंद जिसे हम कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं, मैंने कहा तुम पैगंबरवादी होंगे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे दर्शन के हम ईश्वरवादी लोग हैं। तो आज तो अब उनका उनका उनकी मारी हुई हलाल है पैगंबरवादियों के। उनकी 3 किताबें हैं तौरात, एंजल्स और कुरान, और भगवान के बारे में जो बता दिया उन्होंने वही जानते हैं। हमारे यहाँ तो राम और कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए। उनके उनका विचार है विज्ञान तो विज्ञान ही है। यहाँ भी हमारे नाकों से बहुत झगड़ा हो गया कुरैशी साहब कट्टर मुसलमान, मगर जो मैंने ईमेल नंबर दिया, वेबसाइट नंबर दिया, 7 देशों में दिए मैंने, यहाँ जो प्रधानमंत्री को दिए वो सोनिया गांधी के 10 जनपद में मैंने वो दिए, समझे न समझे। और जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट की स्थिति हुई वही 10 जनपद की हो जाएगी, आप अपने आंख से देख लोगे, समझे न समझे। सोनिया को इस देश से धर्म से क्या मतलब है। अफसोस की बात है कि इस देश में जयचंद बहुत पैदा हो गए। आडवाणी जी का अटल जी के बाप का क्या किया, करोड़ों हिंदुओं के आत्मा को ठेस लगे। तो इस प्रकार जब आप नाम जपोगे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, फिर वो ऊपर उठने लगेगी। यहां पहुंचना है तो ऊपर कैसे उठे, तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता, जब तक वो ऊपर नहीं उठे तब तक कुंडली ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि पीछे से धक्का होता है, स्पार्क होता है ना, रॉकेट जाते हैं। तो उसमें 3 बंद लगते हैं, पहला बंद लग गया मूलाधार में, वायु का काम चल रहा, अब ऊपर उठेगी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी, खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जन्म के संस्कारों से जो ब्लॉकेज होते हैं उसको क्लियर करने के लिए वो योग करवाती है कुंडलिनी। आप नहीं करोगे, स्वयं करवाएगी वो, आपके शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लेगी और अभी करवाएगी। इस प्रकार जो ही ऊपर उठते थे नाभि से ऊपर उठी कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी,
फिर ऊपर उठते उठते यहाँ कंठ से ऊपर उठी तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, जिसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो छोटा हिस्सा रह गया, इसमें हर तरह के मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है, वो भी अपने आप होता है, करवाने की जरूरत नहीं स्वामी रामदेव की, अपने आप होता है ये सारी क्रिया है, अपने आप होगी। और जो ही आज्ञा चक्र से ऊपर गई तो समाधि लग जाएगी, मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति, समझे, पूर्ण रोग मुक्ति। मच्छेन्द्रनाथ जी कलयुग के गुरु थे, आदि गुरु थे, उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर लोग किसी तरह टैकल कर लें, मगर स्पिरिचुअल के बारे में तो घबरा जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता। महर्षि अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया, अखबार निकला था बंगाल से, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोला, बोलने दिया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। हमारी मातृभूमि की प्रार्थना को नहीं करने दिया जा रहा। दूसरे मंत्र के लिए अरविंद ने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र, वो मास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील, अभी इंस्पायरेशन नहीं हुआ उसको। अरविंद ने सुप्रामेंटल फोर्स के बारे में कृष्ण का उपयोग किया, कृष्ण को सुप्रामेंटल फोर्स कहा है उन्होंने। तो मैं जो दूंगा कृष्ण का मंत्र, उससे आपकी कुंडलनी जाग जाएगी और जो रोग हैं सारे खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग 80% बीमारियां तामसिक शक्तियों के टेंडेंसीज के कारण से होती है। डॉक्टर बेचारे नशे की दवाई दे देते हैं, वो 2-4 घंटे रहा तो थोड़ा रिलीफ रहता है, वो नशा खत्म हुआ कि वो तो मैटर का नशा है ना, वो टेंशन वैसे ही, वो रोग वैसे ही। नशा तो हम लोग भी करवाते हैं, मगर मैटर का नहीं, स्पिरिट का करवाते हैं, स्पिरिट का करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है, हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा, नाम का नशा। नानक देव जी ने कहा भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक एक कबीरदास जी कहते नाम अमल उतरे ना भाई, और अलन अमल छिन छिन उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। दूसरे नशे क्षण भर में उतर जाए, क्षण में उतर जाए, ये तो रात ही दिन नशा चला रहे चढ़ा रहेगा, तब फिर दूसरे नशे की जरूरत नहीं रहेगी, समझे, समझ। मगर कितने इस देश में संत लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, भांग मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागिन है, कौन सुनता है, इधर सुनता है, इधर से निकाल देते, मेरी क्यों सुने भाई। मैं कहता हूँ मत छोड़ो, चैलेंज के साथ कहता हूँ, 1990 से चैलेंज कर रहा हूँ। नाम जब कर दो तो नाम का नशा चढ़ जाएगा, वो बाकी नशे भूल जाओगे, आज से ही फैसला हो जाएगा, मगर नाम जपोगे नहीं तो नशा नहीं छूटेगा। नाम की खुमारी चढ़ेगी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, फिर दूसरा नशा क्यों करोगे। इस प्रकार सारे नशे जुड़ जाते हैं। हरियाणा में एक किराड़ा गांव है, किराड़ा गांव, वहाँ एक रणवीर सैनी, मालियों कहते सैनी, एक किसी कारण से इंजेक्शन खाने लगे हीरोइन के इंट्रावेनस, तो पहले तो कंपाउंडर से धीरे लगाया, फिर वो तो बढ़ता नशा, तो 8-10 तक लगाने की जरूरत पड़ गई, फिर अपना आप लगाता, 10 जगह प्रयोग करता, कहीं नाड़ मिलती तो इंजेक्शन ठोस देता। उसका एक बहन भाई मेरे पास है, प्रताप सिंह सैनी नाम का, उसने कहा गुरुजी मेरा एक साला है, मैंने यहाँ रख के पढ़ाया, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि ये तो 2 साल में मर जाएगा, नहीं तो छुड़वा दो, 10 दिन मर जाएगा।
वो मेरे पास आया, आप ताज्जुब करोगे, एक दो दिन में ही वो आज भी जिंदा हो व्यक्ति किराड़ा गांव, समझे। पहले सविता देव संदेश अखबार निकलता था, उसमें डॉक्टर्स ने कहा, मैंने कहा जाके देख लो अपने गांव में वो ट्रैक्टर चला रहा है, वो 15 साल पहले की बात, समझे। तो बड़ा अजीब परिवर्तन आ रहा है, समझे। तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान करोगे तो आपका नशा छूट जाएगा, शारीरिक रोग खत्म हो जाएगा। पश्चिम के लोग कहते हैं कि हम तो भगवान शगवान की परवाह नहीं करते, हीरोइन मारेगी जो अफगानिस्तान में बन रही है ना, वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका जाती है, आज भी जा रही है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा विकास आ जाएगा, ये हमारे दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं मैं, समझे न समझे। साइंस कहती है जो शब्द बोला गया है वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में रहता है। हमारा दर्शन कहता है शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देख हंसना जाना संभव है। ये तो पास्ट है, पास्ट है, रिप्ले दिखाना है। मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो काउंटर पर मिलेगा आपको। उस समय मैंने ईसाइयों को एक बड़ा भारी चैलेंज किया, हम लोग नहीं जानते ईसा 18 साल गायब रहा, 12 साल की उम्र में निकला वहां से इज़राइल से, और 30 साल की उम्र में वापस पहुंचा, और 3 साल उसका बाइबलिक पीरियड था, मार दिया उस गरीब को, समझ। पहले पहले मेरे पास ईसा कहीं ईसाई आते थे, अब तो नहीं आते। मैंने उनका क्यों मारा तुम्हारे पूर्वजों ने, कहने लगे जी उसने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूँ। मैंने कहा अब तुम क्या कह रहे हो, एकमात्र पुत्र था ईश्वर का और तुमने उसको मार दिया, तो वही सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, एक पाप की तो एक ही सजा होती है, तो आज तो नहीं आते। अब एक मुंबई की लड़की ने एक फिल्म बना दी कि ईसा इंडिया में आया था, उसको इटली वालों ने देखने नहीं दिया, उसने कहा इसमें काट छांट कर दो। फिर कलकत्ता में उसने दिखाई, फिर जर्मनी में वो दिखाई गई, उस लड़के ने आखिर में ये कहा कि ईसाई मुझे मार सकते थे, मैं उसके सामने कुछ नहीं, मगर मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसकी हिम्मत नहीं हो रही। तो ये दर्शन, ईसा दोबारा जन्म पैदा हुआ इज़राइल में जाके, तो अपनी हिंदी मतलब वैदिक दर्शन की बात करने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने कहा बी बोर्न अगेन का तो ये हिंदू दर्शन है, आदमास के शरीर की रचना करने वाले भौतिक माता पिता पहले गुरु और मंत्र दीक्षा लेके ब्रिज बनाता है, तो ये कहाँ से सीखा। तो परेशान है कि ये और उनसे कहलवाऊंगा मैं कि जिसको हमने ईसाई दर्शन कहा है ये ज्ञान इंडिया से सीखा, तो ये वास्तव में वैदिक दर्शन है, हिंदू दर्शन है, ये उनसे ही कहलवाऊंगा मैं। तो इस प्रकार आप ध्यान के दौरान अनलिमिटेड फ्यूचर देख लोगे। तो आप कई अपने परिचितों की मौत देख लोगे, भाई दूसरे परिचित नहीं है तो कौन मरेगा क्या पता लगे, मगर जो परिचितों की देख लोगे मौत, और 10-20-30 दिखते गए तो मानना पड़ेगा कि बात तो ठीक है, सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों, वही इलाज नहीं बचने का, फिर डरते क्यों। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि वो किसी को नहीं छोड़ती, जो डरता है उसको, जो नहीं डरता उसको बार बार नहीं आती। इस बारे में कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे मना आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार आप जीते जी ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे, अगले जन्म में नहीं,
टेरिस्टोरियल इमोर्टलिटी की बात कही महर्षि अरविंद ने। तो इस प्रकार एक रविंद्र जैन है राजस्थान का, उसको गठिया हो गया, पित्त का गठिया। तो उसके साथियों ने इंजीनियर ने कहा, उन्होंने कहा भैया क्या ले जा रहे हो। डॉक्टर कहता है कि जीवन भर ये मतलब किसी भी दवाई से चाहे कितना ही पावरफुल दे दो ये दर्द रुकेगा नहीं, और 60 की उम्र है तो 40 में मरेगा। तो साथ के इंजीनियर ने दबाव दिया आ गया, और कभी जब करे कभी नहीं करे कभी ध्यान करे। एक दिन ध्यान में उसको एक अपना मित्र था जालौर का, कोई वकील था, उसका एक्सीडेंट दिख गया, और 15-20 दिन बाद में वो जीप और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, वो राजप्रीत था जालौर का, वो जैनी है रविंद्र, तो वो मर गया। तो सीरियस हुआ, आज वो पूर्ण स्वस्थ है। तो इस प्रकार जब आप फ्यूचर को देखोगे, जब जो ही मौत दिखी तो घबरा जाओगे, मगर ये नाम जप करोगे आपकी बॉडी जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में कहीं स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन खड़ा रहा, खड़े होकर महाराज लेक्चर तो झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी हम सारे के सारे मांस शराब खाड़े वाले लोग। तो समझे चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तो जो परिवर्तन आप में आएगा वो थिंग्स विल गिव अप के हिसाब से आएगा। आप तो सिर्फ नाम जप करो या मेरा ध्यान करो, समझे ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, समझे नहीं समझे। कर्म करो फल की आशा नहीं रखो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यही बात पातंजलि से कहता है, उसने 24 से लेकर 29 तक 5 सूत्र है, उसने पहले तो ईश्वर की व्याख्या की है, और फिर उसके नाम जप से परिवर्तन आने की बात और आत्म साक्षात्कार की तक बात कह डाली, और यहाँ तक कह दिया कि जो रोग आ गए हैं वो तो आ गए हैं, जो आने वाले रोग हैं उनसे मुक्ति संभव है, समझे ना समझा, उनसे मुक्ति संभव है। तो एक ऐसा विकास है भाई। अब जब आपने मौत देखी तो डर गए और प्रार्थना की भगवान से कि मैं तो नालायक था, गलती तो हो गई। आदमी अपनी शक्ल देख के डरता है, अपने जो काम कर लिए कोटे के, जब चेतन हो जाता है तो उसको समझ में आ जाती हो तो गया, फिर प्रार्थना करता है आँख बंद करके, प्रभु वो तो दयालु है ना, कहते हैं दयालु है तो बचा दे, अब की दफा आइंदा नहीं करूँगा। ये तीसरी आँख खुली पलक उलटते ही वो तो यहाँ बैठा है ना, सामने आ जाएगा। और उस परम सत्ता के साक्षात्कार होने का मतलब है ये जन्म आखिरी जन्म है। खिचड़ी मुद्रा का विवरण आया हमारे गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ तहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पीवे निगुरा जाए पैसा। तो मेरे शिष्य तो हजारों को गुजरात में तो बोल वो हल्ला मचा था। तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान में परिवर्तन आया। अब मैं आपको नाम बता दूं, मगर उससे पहले थोड़ा मर्यादा को वर्णन कर दूं। राम और लक्ष्मण उस हिरण को मारने गए थे, तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी तीर से, वो बहुत जति था। रावण जानता था इसके अंदर पैर रखूंगा तो जल जाऊंगा, तो पाटे पैर रखा के सीता को बाहर ले लिया, बाहर लेते ही अपहरण कर लिया। इस प्रकार इसमें भी एक लक्ष्मण ने कहा भाई, और छोटी सी बात कि जो गुरु बताता है शिष्य को मंत्र उसको सीक्रेट रखना है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मोस्ट सीक्रेट एंड मैजेस्टिक बट नॉट येट रिवील्ड। तो जो मंत्र में बताऊं वो आपको नहीं बताएं किसी को, बाकी जो परिवर्तन आवे वो बताओ।
ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। कबीर ने कहा ना, कबीरा कमाई आपकी कभी निरफल जाए। तो ये नाम जब आप जपोगे आप ही को फायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। और जितना ज्यादा नाम जपोगे उतना ही फायदा होगा। तो अब मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है, उसको बीज मंत्र कहते हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ का राई के दाड़े जितना होता है उसमें दिखता है क्या, ये 1 किलोमीटर में फैलेगा, इसीलिए इसकी शक्ति को मतलब अंदाजा आप नहीं लगा सकते, ये बीज मंत्र है। वैसे वो राधा का और कृष्ण का मंत्र है, सगुण साकारी उसको देख ले, निर्गुण निराकारी शब्द और प्रकाश की बात कर ले, समझे। इसमें राधा तत्व है वो सांसारिक सुख देगा, कृष्ण तत्व है वो मोक्ष देगा। इसमें भोग और मोक्ष साथ चलते, बाकी आराधनाएं जितनी है उनमें भोग है तो मोक्ष नहीं, एक मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम करें सर्वधर्म प्रत्याजम महामेकम शरण नंबर। कलियुग के बारे में भी उत्तरपाड़ा व्यासन कृष्ण ने कहा कि मैंने ऋषि भेजे, अवतार भेजे, अब मैं इस धर्म को, मेरा संदेश विश्व को देने के लिए ये अधिकृत करता हूँ। एक उत्तरपाड़ा अभिभाषण है, आप पढ़ो उसको, महर्षि अरविंद का है, भगवान कृष्ण से उसके साक्षात्कार हुए, योग युक्त स्थिति में ये सब उसने। तो ये मतलब कृष्ण की इच्छा है, तो ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। मेरा जीवन का उद्देश्य ये है, एक अरविंद माथुर है जोधपुर में, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, समझे समझे। तो अब जब कैश ठीक होने लगे, अखबारों ने छापा, विज्ञान बोलता क्यों नहीं है, कई अखबारों ने छापा, ये भैरव सिंह जी से कहा, जो आपके उपराष्ट्रपति रहे वो मेरे शिष्य हैं, विपक्ष में रहे, गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे कॉरपोरेशन के बाग में 2000 आदमियों को बैठ के दीक्षा लिए, मगर वो नहीं बोले। सरकार को कहते सकते थे कि इसकी जांच करो, वो पता नहीं क्यों, ये अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है इसके पास मेरे शिष्य गए थे, उसने कहा बेटा सरकार तो नहीं बोलेगी, वो डॉलर से दबी हुई है। उस डॉक्टर ने कहा गुरुजी, अगर जो वायरल HIV वायरल लोड बिलो 50 आ जाएगा तो फिर दुनिया क्या मानेगी, नहीं मानेगी, पूरा विश्व मानेगा। तो अब तो नील आ गया, जे जे हॉस्पिटल में एक बंजारन, उस लड़की का हस्बैंड वहाँ जे जे हॉस्पिटल में था, तो मरने लगा था, उसने रिपोर्ट फाड़ दी। अब उसने कोटा आके दीक्षा ली बंजारन लड़की ने, फिर उसी हॉस्पिटल में गई, टेस्ट करवाया तो 3 दफे ब्लड लिया, तो उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब रोज तो 1 दफे लेते हो, कहेंगे तेरा हस्बैंड तो मर गया ना एड्स से, मैंने कहा, उसने कहा तेरे तो एड्स ही नहीं है। तो इस प्रकार ये परिवर्तन आ रहा है और ये मानव मात्र में आने का। महर्षि अरविंद ने कहा मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। पातंजलि योग दर्शन में आखिरी पाद है कैवल्य पाद, उसमें ऋषि ने 5 कारणों से ये परिवर्तन बताया। पहला कारण तो पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग, और 5वां कारण औषधि। औषधि से भी ये परिवर्तन आ सकता है। तो ये हमारे भारतीय आयुर्वेद की थी औषधि, तो अब तो पश्चिम का जहर खा रहे हैं, तो रासायनिक खाद तो के नाम से उड़ते हैं और हमको ये जहर खिला रहा है। इस देश की भूमि को इतना नष्ट कर दिया है कि अब बिना रासायनिक खाद के पैदा नहीं होती। ये एक तरह का अघोषित आक्रमण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केरला के रहने वाले थे, वहां कम्युनिस्टों का राजा है, और बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि अरविंद है,
कितने पैदा हुए वहाँ भी कम्युनिस्टों का राज है। तो ये एक अघोषित आक्रमण है इस देश पर, और केवल डिफेंस से कभी जीत नहीं सकते, केवल ऑफेंस करते रहो डिफेंस करते रहो, तो जब तक ऑफेंस नहीं करोगे आप जीत नहीं सकोगे। मैं तो कतई ऑफेंसिव हूँ भाई, इसलिए अमेरिका गया था, फिर जाऊँगा जून में और उन्हीं के मुंह से कहलवा दूंगा कि जिस दर्शन को हमने ईसाई दर्शन कहा वो तो वैदिक दर्शन। तो अब वो मंत्र बता दूं, छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र है, कह आधा अल्लाह में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी है, ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना, आप मन ही मन बोलो अंग, तो यहाँ स्ट्रोक लगता है अंग, और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में, अब रिपीट होने में असुविधा होती, तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं, एक ही मात्रा नहीं लगेगी, राधा तो शामिल लेगा, और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों तत्व है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले दिमाग से जपना है। राधा जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, तो जपने लग गए, अब वो बंदी नहीं हुए, तो राधा जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, तो जो बीमार है उनको तो अभी से लग जाएगी, जीवन में नहीं छूटेगी, और नहीं तो दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा कि नहीं जप रहा, बाहर के काम है इसमें कोई, वो अंदर की सत्ता अलग है, वो अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा, फिर जपने की समस्या छुट्टी, फिर ध्यान करो, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट सुबह सुबह नहा धो के कर लो, सूर्योदय से पहले करो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम उष्णकटिबंध में रहते हैं, ठंडे देश के लिए तो बड़े काम की चीज़ है, नहा धो के बैठ जाओ, किसी दिशा में मुँह कर लो, कहने है भगवान, और आँख बंद करके मुझे देखो और प्रार्थना कर लो, आपको कितनी देर बैठना है 15 मिनट, वो घड़ी रख लो सामने, बिल्कुल करेक्ट उसी टाइम, एक सेकेंड आगे पीछे नहीं होगा ध्यान भंग हो जाएगा, तो प्रार्थना पहले कर लेना, नहीं तो घंटा भर नहीं खुलेगा ध्यान, सुबह शाम 15 मिनट करो, खाली पेट करो, तो अब जपो देखो, 15 मिनट ध्यान करो, नाम जपो मन ही मन, इसको जपड़ा क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, फिर वह बहुत तेजी शुरू हो जाएगा, फिर अजपा हो जाएगा, हाँ 15 मिनट करो, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, कुर्सी पे बैठ कर लो, भले कुर्सी पे बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और तो महीने में 30 दिन कर सकते, जय गुरुदेव।
ये ध्यान करने का तरीका, ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन है। बुद्धि के प्रयास से मन नहीं रुकता।